सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स। वैगनर 10 लाख हॉर्स पावर से बनी ईएमआई पे ली हुई ये मिडिल क्लास गाड़ी परफेक्ट है लाने के लिए दूध। शादी पे जाना है, पूरा खानदान भर दीजिए, ये बुरा नहीं मानेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट आपको जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप पिछले कुछ महीनों के स्टैट्स निकाल कर देखें तो टॉप सेलिंग कार, इनफैक्ट लास्ट मंथ तो मारुति सुजुकी वैगनर टॉप सेलिंग कार रह चुकी है। तो क्या आपको स्टिल 2024 में मारुति सुजुकी वैगनर कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि देखा जाए तो काइंड ऑफ आउटडेटेड कह सकते हैं आप इस कार को। काफी साल से ऐसा ही मॉडल चलता आ रहा है, काफी टाइम से फेसलिफ्ट भी नहीं मिला है, बट स्टिल इस कार को इंडियंस काफी ज्यादा प्यार कर रहे हैं एंड स्टिल अभी भी आप देख सकते हैं टॉप सेलिंग कार बन रखी है। तो ऐसा क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है इस कार में, ऐसी क्या खासियत है इस कार की जो स्टिल अभी भी इंडियंस इसके साथ स्टक है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे एंड सारे ही पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बात कर रहे होंगे मारुति सुजुकी वैगनर के, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं एंड आपको क्लियर कट आइडिया पता चल रहा होगा वीडियो के एंड एंड तक कि 2024 में क्या आपको इस कार को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप कॉम्पिटिशन में देखेंगे तो मेनली इसकी राइवलरी होती है टाटा टियागो से, जो कि आई गेस टॉप 10 की लिस्ट में आती भी नहीं है। एंड ऑल्सो देखा जाए तो मारुति की खुद की कार से ही इसका कॉम्पिटिशन हो जाता है, लाइक मारुति सुजुकी सिलेरियो या फिर हो गई मारुति सुजुकी इग्निस। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे एंड आपको पता चल जाएगा कि 2024 में आपको वैगनर लेनी चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से, जो कि इस कार की मैन्युवरेबिलिटी। एंड काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम लोगों ने जब भी कार ड्राइविंग सीखी होगी तो मैक्सिमम लोगों की फर्स्ट कार होगी यार वैगनर। तो ये कार को ड्राइव करना यार काफ़ी ज़्यादा इजी, एक तो बोनट ज़्यादा लंबा होता नहीं है तो ऐसा कोई इशू जाता नहीं है आगे ड्राइव करने में। एंड ऑल्सो जो ग्लास एरिया है वो भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाता है इस कार में, तो विजिबिलिटी वाइज कोई भी इशू होता नहीं है। तो इस कार को कोई भी काफ़ी आराम से, बड़े ही आराम से मैनूवर कर सकता है एंड इसी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इस कार की सेल्स काफ़ी ज़्यादा है हमारी इंडिया मार्केट में, क्योंकि बड़े ही आराम से इस कार को आप मैनूवर कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। एंड गाइस, अब अगर सेकंड रीजन के बारे में बात की जाए क्यों मैक्सिमम लोग मारुति सुजुकी की कार्स प्रेफर करते हैं, पहला है पीस ऑफ माइंड एंड दूसरा है इनकी इंजन रिलायबिलिटी एंड कोई भी वाइब्रेशंस वगैरह भी ऑब्वियसली हमें नहीं देखने को मिलती है इसकी इंजन में। तो गाइस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ये कार है ये VXI 1.2 लीटर है जो कि 2020 में परचेस की गई थी एंड तब से एक भी बार इसका कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है एंड एक भी बार ये सर्विस सेंटर पर नहीं गई है कोई इशू के कारण। ऑब्वियसली सर्विस सेंटर गई है सिर्फ सर्विस के लिए, उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए ना ही मैकेनिक के पास या फिर सर्विस सेंटर के पास नहीं गई है। तो ये एक पीस ऑफ माइंड हमें मारुति की कार्स में देखने को मिल जाता है कि आपकी कार्स कभी भी ऐसे जनरली ब्रेक डाउन नहीं हो रही होंगी एंड जनरली कोई भी हमें इशू नहीं आते हैं एंड इंजन की रिलायबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है एंड कोई भी वाइब्रेशंस वगैरह भी हमें फील नहीं होती हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मारुति सुजुकी वैगनर में हमें दो इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं, एक है 1 लीटर का एंड एक दूसरा है 1.2 लीटर का। खैर, ये तो VXI मॉडल है, 2020 में VXI में भी 1.2 लीटर का इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता था, बट करेंटली अब अगर आपको 1.2 लीटर का ऑप्शन चाहिए तो आपको ZXI कंसिडर करना होगा। बट स्टिल यार, आपको मारुति सुजुकी वैगनर सेगमेंट में कोई भी कार दो इंजन ऑप्शन ऑफर नहीं करती है, बट वैगनर कर रही है एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द मेन एंड बिगेस्ट रीजन क्यों मैक्सिमम लोग मारुति सुजुकी वैगनर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि एक पीस ऑफ माइंड भी है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपकी कार को एंड एक काफी बढ़िया इंजन भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, जो थर्ड मेन रीजन है क्यों मैक्सिमम लोग वैगनर कंसीडर करते हैं वो इसकी प्रैक्टिकलिटी, स्पेस जो ऑफर करती है सेगमेंट का सबसे बेस्ट। आप देख ही सकते हैं इतना बढ़िया ग्लास एरिया देखने को मिलता है एंड कोई भी इशू जाती नहीं है आगे भी, फिर चाहे आगे देखो या पीछे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हमें देखने को मिल जाता है मारुति सुजुकी वैगनर में। बस एक ही नेगेटिव है, इसके हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं है। अगर आप रियर साइड में स्पेस देखेंगे तो मैंने जो आगे की सीट है वो एकदम पीछे कर रखी है, तब भी आप देख सकते हैं मुझे अच्छा खासा लेग रूम देखने को मिल रहा है एंड हेडरूम की तो भाई कोई दिक्कत है ही नहीं इस कार में। एंड जनरली जो सीट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं हमारी कार में, जनरली पीछे नहीं होती, तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा लेग रूम भाई साहब मुझे देखने को मिल रहा है एंड बीच में हमें छोटा सा हम जरूर देखने को मिलता है एंड आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं इस पर, कोई इशू नहीं है। एंड रेयर सीट हमें 60-40 स्प्लिट भी देखने को मिल जाती है। जस्ट एक ही नेगेटिव है यार, इसके जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है एंड ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है, तो कोई भी सफोकेशन टाइप आपको इस कार में नहीं लगने वाला है। एंड ऑल्सो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा 341 लीटर्स का बूट स्पेस भी हमें वैगनर में ही देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ पार्शल ट्रे भी देखने को मिल जाएगी आपको, तो ये भी काफ़ी बढ़िया वाली बात है। सो गाइस, ये सारे मेजर रीजंस थे क्यों मैक्सिमम लोग मारुति सुजुकी वैगनर कंसीडर करते हैं। अब अगर कुछ और रीजंस के बारे में बात की जाए जो कि एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहला है माइलेज। जी हाँ गाइस, काफ़ी अच्छा खासा माइलेज हमें देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली यार, मारुति सुजुकी है, अगर इससे माइलेज नहीं देखने को मिलेगा तो कहाँ ही देखने को मिलेगा। तो यार, मारुति सुजुकी वैगनर, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये VXI 1.2 लीटर है एंड
इसे रफ कंडीशंस में भी यार अगर आप कैसे भी चलाओ तो यार कभी भी इसका माइलेज 18 से नीचे नहीं जाता है। अगर आप हाईवे पर चलाएंगे तो हमेशा ये 20 के ऊपर ही देने वाली है। एंड 1 लीटर का भी काफी अच्छा खासा माइलेज हमें देखने को मिल जाता है। एंड ये भी एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्यों मैक्सिमम लोग मारुति सुजुकी वैगनर कंसिडर करते हैं। एंड एक और काफी बढ़िया चीज जो हमें इसमें देखने को मिल जाती है वो ये है कि इसमें हमें CNG भी देखने को मिल जाता है कंपनी फिटेड, जो कि खैर टियागो में भी अब देखने को मिल जाता है बट इसमें हमें काफी टाइम से मिल रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई मैक्सिमम लोग इस कार को कंसिडर करते हैं। तो गाइस ये सारे मेन रीजंस थे जो कि पॉजिटिव हमें देखने को मिल जाते हैं मारुति सुजुकी वैगनर में। इन सिंपल वर्ड्स अगर कंक्लूजन दिया जाए तो यार मारुति सुजुकी वैगनर एक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल कार है। इस बजट रेंज में लोगों को एक प्रैक्टिकल कार चाहिए रहनी होती है, ना कि वो अपने शौक पूरे करने के लिए देख रहे होते हैं। आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रहा है, आपको एक रिलायबल इंजन देखने को मिल रहा है, आपको एक पीस ऑफ माइंड देखने को मिल जाता है एंड ऑल्सो गाइस आपको एक अच्छा खासा माइलेज भी देखने को मिल जाता है। तो यही सारी चीजें तो चाहिए है यार लोगों को। अगर आप 6 लाख 6.5 लाख दे रहे हैं तो आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो और क्या ही चाहिए। स्पेस भी आपको सेगमेंट में सबसे ज्यादा एंड सबसे अच्छा देखने को मिलता है मारुति सुजुकी वैगनर में। सो गाइस इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी वैगनर के नेगेटिव्स के बारे में। इसमें हमें क्या कुछ नेगेटिव देखने को मिल जाता है, तो जो सबसे बड़ा नेगेटिव है जो कि है इसकी सेफ्टी। जी हाँ गाइस, ये कार सिर्फ ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग में सिर्फ 2 स्टार ही लेकर आई थी, दैट मीन्स ये कार सेफ नहीं है। वहीं अगर आप इसके कॉम्पिटिटर को देखेंगे जो कि टियागो, वो 4 स्टार लेकर आई थी, तो ये काफी सेफ ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। बट ये भी एक पॉइंट है कि इस कार में सेफ्टी को बस अगर आप साइड रख दें तो हमें सारी चीजें फुलफिल कर देती है कार। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस कार में सिर्फ एक ही हमें नेगेटिव देखने को मिलता है जो कि है इसकी सेफ्टी। तो काफी सारे लोग अब सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं क्योंकि इस बजट रेंज में लगभग सारी चीजें ये कार प्रोवाइड करा रही है, बस सेफ्टी नहीं करा रही है। तो अब अगर मारुति सुजुकी सेफ्टी पर काम कर लेती हैं एंड इस कार की सेफ्टी कहीं ना कहीं अगर वो इंक्रीज कर देते हैं तो ये इस कार सेगमेंट की बेस्ट कार बन जाएगी। एंड जो सेकेंड इसमें नेगेटिव हमें देखने को मिल जाता है वो है बॉडी रोल। जी हाँ, इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा बॉडी रोल आपको मारुति सुजुकी वैगनर में ही देखने को मिलेगा। अब टॉल बॉय डिजाइन है यार, अब आपको इतना खासा इतना अच्छा खासा आपको हेडरूम देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव भी देखने को मिलेगा जो कि है बॉडी रोल। जी हाँ, इस सेगमेंट का सबसे ज्यादा बॉडी रोल लगभग आपको ये एसयूवी जैसा फील ही कराएगी कि आप कोई एसयूवी चला रहे हैं, उसी लेवल का आपको इसमें बॉडी रोल देखने को मिलेगा। एंड इन दोनों के अलावा पर्सनली मुझे तो कोई और नेगेटिव नहीं लगता इस कार में। अब अगर आप इस कार के डिजाइन को ही नेगेटिव मान रहे हैं तो आप गलत सेगमेंट में यार, फिर आपको थोड़े और ऊपर इसके सेगमेंट में जाना चाहिए। जनरली लोग इस सेगमेंट में अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने शौक। ये कार आपको काफी अच्छी खासी रिलायबिलिटी ऑफर कर रही है, काफी अच्छी खासी आपको प्रैक्टिकलिटी ऑफर कर रही है, अच्छा खासा माइलेज दे रही है, अच्छा खासा स्पेस दे रही है, एक पीस ऑफ माइंड दे रही है, और क्या ही चाहिए, बस सेफ्टी नहीं दे रही है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव हमें देखने को मिलता है मारुति सुजुकी वैगनर में। सो नाउ आई गेस मैंने अब आपको मारुति सुजुकी वैगनर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड आई गेस अब आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको मारुति सुजुकी वैगनर कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।